बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेम एंड फ्राई। आज मैं आपको बहुत मज़े की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। ये है पोटैटो कप्स और ये बहुत मज़े की सिंपल और इजी रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। और ये साइड डिश है, ठीक है, आप इसको इवनिंग टी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और मैंने इसको जो है वो होममेड ओवन में बेक किया था। और इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनती है, इसके लिए हम रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैंने ना आलू लिए थे और ये मैंने आलू जो है वो दरमियाने साइज़ के लिए थे, यानी कि ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे, और मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे। इनको पील कर लिया था, उसके बाद मैंने इनको ड्राई कर लिया था। और अब इस तरह से दरमियान में से मैं इन सारा ये जो गूदा है इसको निकाल लूँगी और मैंने इसका एक कप बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है और इस तरह छुरी की नोक की मदद से ये देखें, ये बहुत अच्छा सा एक कप जो है वो मैंने बना लिया है। और इस तरह से बाकी जो कप्स हैं वो भी मैं रेडी कर लूँगी। और आप जो है ना वो स्पून की हेल्प भी ले सकते हैं, और मैंने तो नाइफ़ की हेल्प से बनाया था, तो आप जो है वो स्पून हो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। और जो होता है आइसक्रीम स्कूप जो होता है ना, ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। बस जस्ट कि इसके अंदर से हमने सारा ये जो गूदा है निकालना है और इसका एक कप जो है वो रेडी करना है। और बहुत एहतियात से जो है वो आपने करना है, क्योंकि छुरी की मदद से जो है वो थोड़ा टफ़ होता है और आपके हाथ पे कट भी लग सकता है, तो इसलिए आप जो है ना वो बहुत एहतियात के साथ, बहुत जेंटली जो है वो इसको हैंडल करना है आपने। बहुत एहतियात के साथ सारे ये जो प्याले हैं, कप्स हैं, ये आपने रेडी करने हैं। और अब हम इसकी जो है वो स्टफिंग रेडी कर लेंगे। मैंने जो है वो शेडेड चिकन लिया था, बॉयल्ड एंड शेडेड चिकन लिया था मैंने, और इसके अंदर जो है वो मैंने बारीक कटी हुई गाजरें डाली थी। आपको पता है गाजरें बहुत हेल्दी होती हैं। और इसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर डाला था शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटी हुई जो है वो बंद गोभी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। और बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें आलू है और इसमें बच्चों की फेवरेट जो है वो गाजरें हैं, और थोड़ा सा जो है इसके अंदर टमाटो केचप ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो मेयोनीज ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना 1 टीस्पून ही ऐड किया था, क्योंकि जो केचप होता है उसके अंदर भी स्पाइसेस होते हैं, और अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप उस हिसाब से ऐड कर लें। अब इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट जो है ना वो ब्लैक पेपर ऐड किया था और साल्ट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से जो है वो हम लेंगे थोड़े थोड़े से और इसके जो है ना छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से छोटे छोटे कोफ्ता टाइप जो है वो बॉल्स बना लेंगे, और सारे बॉल जो है वो बना के इस तरह से हम प्लेट के अंदर रख लेंगे। सारे बॉल जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब जो हमने पोटैटो कप्स बनाए थे उसको हम करेंगे फ्राई। ये मैंने ऑयल गरम किया है और इसके अंदर जो है वो सारे कप्स जो हैं वो हम फ्राई करेंगे। इस तरह से सारे कप्स मैंने इसके अंदर रख दिए थे वन बाय वन करके। तेल को अच्छी तरह गरम करना है और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, जैसे हम चिप्स फ्राई करते हैं, बिल्कुल हमें इस तरह से जो है ना इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये ओवर कुक ना हो जाए, बस ये कि कुक हो जाए, क्योंकि बाद में हमने इनको बेक भी करना है।
दरमियान दरमियान में हम इसको जो है वो हिलाते रहेंगे, इसको फ्लिप फ्लॉप करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाएं। जब एक साइड से हो जाएंगे तो दूसरी साइड से भी हो जाएंगे और इस तरह से ये बहुत अच्छे से जो है ना वो अंदर तो कुक हो जाएंगे और फिर इसके अंदर जो है वो हम स्टफिंग ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। अगर आपके पास जो है वो बेकिंग ओवन है तो आप उसके अंदर कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आप बेक कर सकते हैं। प्री हीट ओवन को करना है पहले, और अगर आपके पास ओवन नहीं है बेकिंग तो तब आप होममेड ओवन में कर सकते हैं, और वो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि होममेड ओवन जो है वो कैसे जो है ना वो बनाते हैं और उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बेकिंग हो सकती है। और वैसे भी ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो जो है ना आराम से जो घर में चीज़ें होती हैं उनकी हेल्प की मदद से हम जो है वो कुकिंग कर सकते हैं। तो अब सारे जो ये कप्स हैं इनको मैंने निकाल लिया है क्योंकि ये फ्राई हो चुके थे और लाइट ब्राउन ये हो गए थे, तो इनको निकाल लिया है। और ये देखें सबको मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल लिया, कितने अच्छे ये कप्स लग रहे हैं। और बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, ऐसी रेसिपीज़ इंजॉय करते हैं, ऐसा फूड इंजॉय करते हैं बच्चे। और इस तरह से आप ज़रूर बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेहमान आ जाएं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत डिफरेंट सी जो है ना वो रेसिपी है। तो अब ये देखें कि ये अच्छी तरह से जो हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो हमने जो बॉल्स बनाई थी ना वो हम जो है ना इसके अंदर रख देंगे। ये देखें इस तरह से ये सारी बॉल्स जो है वो ऐसे रख देंगे और ऊपर मैंने चीज डाली थी, ठीक है। और इस तरह ये एक बेकिंग मैंने लिया था, बेकिंग वाला सांचा, केक वाला सांचा था बेसिकली ये मेरे पास, और उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लेन जैसे पेपर होता है ना बच्चों की कापियों से, कोई भी प्लेन पेपर लेके उसके ऊपर आप जो है वो ऑयल या घी लगा के उसको भी बटर पेपर बना सकते हैं, और इस तरह से आप उसके अंदर वो लगा दें। और ये देखें ये सारे कप्स के अंदर जो है वो जो हमने कोफ्ते बनाए हुए थे, बॉल्स जो बनाए हुए थे वो हम डाल देंगे और फिर इसके ऊपर जो है ना वो हम डालेंगे चीज़ और फिर हम इसको बेक करेंगे। और ये देखें ये मैंने जो है इस तरह से इसको अरेंज कर लिया था केक वाले सांचे में, ठीक है। ये इसको बेकिंग ट्रे भी आप कह सकते हैं और बेकिंग बाउल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज कर लिया था। आप सबके ऊपर जो है वो मैं डालूंगी चीज़, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको जो है वो होममेड ओवन में रखेंगे बेक करने के लिए। वैसे तो इसके अंदर सारी चीज़ें कुक्ड हैं, ज़्यादा जो चिकन डाला है वो भी बॉयल्ड है, और वेजिटेबल्स तो वैसे ही थोड़ी क्रंची क्रंची बहुत अच्छी लगती हैं। और ऐसी वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं जो हम कच्ची भी खाते हैं, मतलब सैलड में। और इस तरह से जो है आलू जो है वो भी फ्राइड हैं। तो बस हमारा जो पर्पज़ है वो जस्ट ये है कि ये जो हमने चीज़ इसके ऊपर डाली है ये मेल्ट हो जाए और कोफ्ते जो हैं वो थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएँ। जो हमने इसके अंदर बॉल्स बना के डाली हैं मीट बॉल्स, वो थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएँ। तो अब हम इसको होममेड ओवन में रख देंगे। मैंने इसके लिए क्या किया था कि एक बड़ा पतीला लिया था, उसके अंदर मैंने ना स्टोन्स डाल दिए थे और ऊपर से ढक्कन देके ना मैंने उसको काफ़ी देर तक जो है वो गर्म किया था, ठीक है। फिर जो है जब मैंने ये इसके अंदर बाउल रखा था तो मैंने उसका फ्लेम जो है वो लो कर दिया था और उसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दूंगी। तो ये देखें ये तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इस तरह से किया था, और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, और चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो गई है, और जो हमारे मीट बॉल्स हैं वो भी ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है, और माशाल्लाह से ये टेस्टी भी बहुत बने थे। आप इसको चिली सॉस और केचप के साथ इंजॉय करें, और आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, उनको लंच बॉक्स में दें। बच्चे बहुत खुश होकर ये खाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फेसबुक पे मेरा पेज है फ्लेम एंड फ्राई, उसको भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।